काफी ज्यादा स्कोर होगा अगर पेज पर चल जाते हैं तो, अगर ये पावर प्ले तक भी रुक जाए तो उसको हम 50-60 के पार हो जाएंगे। क्रॉस चला रहे हैं, जाएगा जाएगा। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते हैं। बस यही विकेट है, यही विकेट है, यही लेंथ। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि इस जगह पे चौका निकले, लेकिन इतनी तेज शॉट, इतनी तेज शॉट से भी 4 रन क्लेम कर गए। दिखाते हैं वो सिर्फ लपेट कर नहीं मारते हैं, बहुत बेहतरीन कट शॉट भी खेल रहे हैं। अभी तो घसीट घसीट के मार रहे हैं सबको। जाने के बाद काफी राहत की सांस ली होगी कप्तान राजेश ने। सुशील ने पहली सफलता दिलाई 2014 सितंबर मैच को, और स्कोर अभी 30 रन हो चुका है। पहले विकेट के नुकसान पर 30 रन होने के बाद पहला विकेट गिरा। अभी 2 ओवर कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे सुप्रीत सर, लेकिन यहाँ विकेट गंवाया। अगले बल्लेबाज प्रशांत, बढ़िया भाई राजेश। लंबी चौड़ी करता के प्रशांत सर पावर हिटर हैं, लगता है इस बैट जी ने थोड़ी कौन है प्रशांत आगे वन डाउन भेजा है प्रशांत सर को प्रमोट किया है बैटिंग ऑर्डर में। और बहुत ही बढ़िया गेंद में खेल दिया है पाटा के हाथ में एक रन और। जिस तरह की स्ट्राइक रेट से अभी तक बल्लेबाजी हो रही थी, क्या आगे लगता है कि पावर प्ले में सुप्रीत सर के जाने के बाद फायदा उठा पाएंगे। इसके बाद भी 2 ओवर और होगा पावर प्ले का, क्योंकि ये 12 ओवर का मैच है। सेमीफाइनल और फाइनल 12 ओवर का होगा। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का, और ये फिर से हॉकने की कोशिश की, लेकिन ये नो गेंद करार दी गई है। नो बॉल और ये फ्री हिट, ये नो बॉल शायद ऑब्जेक्शन, ये जर्क का ऑब्जेक्शन था, उसकी वजह से नो बॉल दिया गया और ये फ्री हिट रहेगी। और एक हिट पे मारा है 24 रन पे 4 रन के 10 रन लेके हुए 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट बाजी का, उनको ऐसे शॉट की जरूरत थी ताकि वो धीरे धीरे फॉर्म में आए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हिट का फायदा उठाया, 4 मिला, शायद फिर से इसे थोड़ा वेट करना होगा, क्या फैसला आता है।
ओवर की समाप्ति। क्रिएट का पूरा फायदा उठाया, चार रन निकाले क्रिएट पर और इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। सुप्रीत सर जो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपना विकेट गंवाया था आखिरी ओवर में। दूसरा विकेट यहाँ गिरता हुआ, फुल टॉस लो, फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा संभाल कर भी खेल सकते थे और अपने चार ओवर का था, उसका फायदा उठाना चाहते थे प्रशांत सर, लेकिन वापस जाना होगा सभी लिए। बल्लेबाजी पर अब आ रहे हैं विकास सर, दूसरा विकेट यहाँ गिरता हुआ, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था, थोड़ा संभल कर भी खेल सकते थे। 2.1 ओवर्स में स्कोर इज 36-2। प्रशांत सर ने सस्ते में अपना विकेट खोया, यहाँ लो फुल टॉस गेंद की दे राजेश के हाथ में मारा, चल काफी बेहतरीन पहला 36 लो फुल टॉस, पहला ओवर में तो अच्छा हुआ था, 23-24 रन मारने का चक्कर में सब आउट हो जा रहा है। 36-37 दो ओवर दो बॉल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गए हैं वापस, इन्होंने लास्ट ओवर में फील्ड पे चौका लगाया था, बहुत जबरदस्त चौका, स्कोर बढ़कर हुआ 36 रन दो विकेट। 12 ओवर का मैच है, ध्यान में रखें पारी को बिल्ड करना चाहिए, यहाँ से शुरुआत तो अच्छी हुई है, दो विकेट लेकिन खो दिए हैं। चहल काफी तेज गेंदबाजी करते हुए, थोड़ी स्लो गेंद होती तो कवर में खेल दिया होता। इस बार एक और यहां सारे फील्डर कॉल करते हुए भी रन आउट का चांस था, लेकिन सतर्क नहीं थे फील्डर, यहां खतरा हो सकता था, एक रन मिला। चलो कम ऑन चल, वाइड पर विकास सर, जोर से मारना चाहते थे, बहुत कसी हुई गेंदबाजी चहल, पता नहीं पहले ओवर से शुरुआत नहीं कराई थी चहल से या राजेश से, दोनों में से सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज राजेश और चहल इस टीम के, लेकिन पहले और दूसरे ओवर में नहीं गए थे, इस ओवर में बहुत अच्छा काम बैक किया, जिस तरह से शुरुआत हुई थी दो ओवर में 36 रन आ गए थे, मात्र 3 रन, चहल की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। और अब आ गए हैं गेंदबाजी पर, पांच लोग 3 ओवर 39 रन 2 विकेट राजेश,
BPSL के सलामी बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मांझी स्ट्राइक पर। अरे तीन बार हो रहे हैं तब्दीली करते हुए राजेश सचिन बर्दाश्त किए अपनी पहली गेंद लेकर खेलना चाहते थे लगता है तीन खेला गंभीर कर इतनी नए में नजर नहीं आया है। लीग में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। आज सेमीफाइनल है लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं। पिछले साल के फाइनल में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। बहुत बेहतरीन गेम पेस के बीच कराते हुए राजेश आज दो गेंदबाज तीन तीन ओवर बॉलिंग डाल सकते हैं। शायद राजेश और चहल करें अपनी टीम की तरफ से तीन तीन ओवर। पिछली आठ गेंदे बहुत बेहतरीन कमबैक किया है सितंबर बैच ने। कितनी अच्छी तरह से समझ नहीं है शॉट संतोष करना होगा। बॉलिंग बहुत ही सही बॉलिंग तो एक रन अभी तक दिया है राजेश ने दो डॉट और एक सिंगल। स्ट्राइक रहा है विकास। राजेश फील्ड देखते हुए एक बार चौथी गेंद लेकर एक रन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राजेश बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। सिर्फ एक मैच में इस बार चार छक्के पड़े थे उनके ओवर में ऐसा देखने मिलता नहीं है। जल्दी बाउंड्री जाती है राजेश के गेंद पर उठा कर मारा सीधे फील्डर के हाथ में और ये कैच। चहल ने कोई गलती नहीं की सीधे चहल के हाथ में इतनी इकोनॉमिकल गेंदबाजी हो रही थी प्रेशर बिल्ड होता हुआ और इसी बीच विकेट खो दिया उसको रोक नहीं पाए मांझी और उनका ये खराब फॉर्म बरकरार रहा सेमीफाइनल में भी तीसरा विकेट गिरता हुआ। यहाँ BPSL को जो शुरुआत मिली थी सुशील सर के द्वारा उसका फायदा नहीं उठा पाए। दो ओवर में 36 रन आए थे अभी पिछली 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन। सुप्रीत सर के जाने के बाद और दो विकेट जा चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर 41 रन आफ्टर द एंड ऑफ 3.5 ओवर्स लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। राजेश ने बहुत ही सही गेंदबाजी की प्रेशर बिल्ड किया बैट्समैन पे उन्हें पता था कि पावर प्ले का आखिरी ओवर है हिट करने की कोशिश सही टाइम नहीं हुआ और सीधे चहल के हाथ में कोई मिस्टेक नहीं आसान का कैच था। फील्ड फिर से चेंज करते हुए राजेश अतुल सर यहां भूल गए थे कि प्लेइंग 11 में है। अतुल को सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग के समय याद होता है फील्डिंग में भूल जाते हैं। ओवर किया थी गेंद इसे बहुत अच्छी तरह से खेला है ये दूसरी तरफ जाते हुए 4 रन। फील्डर थोड़े सुस्त नजर आए बचा सकते थे अगर खेल भागते तो राकेश की इकॉनमी को खराब करते हुए आखिरी गेंद पर चौका निकला। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी इस ओवर में लेकिन एक सक्सेसफुल ओवर रहा मांझी का विकेट निकाला और 45 रनों पर रोका है पावर प्ले के बाद जो कि 36 रन दो ओवर में 36 रन मारे थे चार ओवर 45 रन 3 विकेट आखिरी दो ओवर में मात्र 9 रन और 2 विकेट गिरे हैं आखिरी दो ओवर में। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45 अभी भी स्कोर काफी अच्छा है। चार ओवर की समाप्ति के बाद अगर देखें 45 रन इज अ वेरी गुड स्कोर। नाउ द टीम हैज टू स्टेबलाइज द इनिंग्स कैन दीज टू बैट्समैन डू दैट फॉर BPSL। अगले 5-6 ओवर अगर सावधानी से खेलें सिंगल डबल्स में भी खेलते हैं तो एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। फील्डिंग में अब तब्दीली की जा सकती है पावर प्ले समाप्त हो चुका है राजेश फील्ड में चेंजेस करते हुए बॉलिंग पर अपनी दूसरी ओवर को लेकर आ रहे हैं चहल।
एक दो गेंदबाज तीन तीन ओवर डाल सकते हैं। 12 ओवर का ये मैच होगा। मिड विकेट पे डीप मिड विकेट पर सोहेल अच्छा शॉट लेने सीधा फील्डर के हाथ में ये तीर मिलेगा। यहाँ चहल और राजेश दोनों ने बहुत सही लाइन पर गेंदबाजी की है। बाउंड्री मारने की कोई गुंजाइश नहीं। चीरता हुआ बहुत सही प्लेसमेंट था यहाँ। नवीन सर का बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। ये दोनों फील्डर के बीच से करारा शॉट चार रन। थोड़ी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी उतनी शॉट नहीं लेकिन इसे बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। फील्ड में फिर से कुछ परिवर्तन करते हुए 14 सितंबर की टीम मैच को थोड़ा ऑन साइड से तीन फील्डर्स हैं बाउंड्री चहल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र एक चौका आया है अभी तक इनकी गेंद पर जो कि इस बॉल से पहले था। बहुत बेहतरीन दोनों फील्डर्स के बीच से खेला था चार रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कंट्रोल करें इकॉनमी काफी अच्छी अभी तक। 451 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मजा इन लोग फालतू में आउट हो रहा है ना। सुप्रीत सर ठीक खेल रहे सिंगल सिंगल शो खेलना चाहिए मारने का ऊपर जा ही नहीं। नवीन सर दिखाइए तल्ले का शॉट। तल्ले का शॉट दिखाइए तुम लोगों को आप पे रखेंगे लोग। चलो कम ऑन आप में रखेंगे लोग कहां चले चलेगा। बॉल अच्छा बॉल मारने वाला है ऑफ में कसम से पीछे कोई नहीं। ऑफ में सर इस टाइम रहता ना बड़ी मार ऑफ पे बड़े संभालेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक 11 गेंदों पर पूरे काउंट लगी है। काफी सारे डॉट बॉल्स खेला बहुत बेहतरीन शॉट। एक खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया नवीन ने। पहली खराब गेंद ओवर की और इसका भरपूर फायदा उठाया। बहुत अच्छी इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहे थे पर आखिरी गेंद पर कंट्रोल लूज हुआ और आखिरी गेंद पर चौका। इसी के साथ स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार से स्कोर बढ़ता हुआ 7 ओवर से 7 मोर ओवर्स टू गो। स्कोर इसके लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ईपीएसएल के कप्तान अभी खुश होंगे स्कोर से। अगर 2-3 ओवर बिना विकेट के खेल जाते हैं तो काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। थोड़े संभल कर अगर बल्लेबाजी करते हैं 2-3 ओवर तो एक अच्छा स्कोर यहां देखने को मिल सकता है स्कोर बोर्ड पर। राजेश वापस से गेंदबाजी पर अपनी दूसरी ओवर को लेकर उन्हें पता है कि 2 गेंदबाज 3-3 ओवर डाल सकते हैं। संभवतः वो चहल और राजेश होंगे 2024 के लिए। छठी ओवर की शुरुआत स्ट्राइक पर विकास बहुत अच्छी चला दिया था। मैसेज करवाना चाहते थे। मैं बार बार वही कह रहा हूँ थोड़े सतर्क होकर भी बल्लेबाजी करते हैं 3-4 ओवर तो भी बहुत बेहतरीन स्कोर बन सकता है। उन्हें भूलना नहीं चाहिए ये 12 ओवर का मैच है ना कि 10 का।
राजेश ने अभी तक बहुत किफायती गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर में एक चौका आया था, वो शायद थोड़े तेज होते फील्डर तो बचा भी सकते थे। अभी तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी राजेश की। बढ़िया बॉल राजेश। ये थोड़ी शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार फील्डर को पीछे रखा था, पहले ही सिर्फ एक रन मिलेगा। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर उसी जगह पर एक चार आया था, उसके बाद फील्ड में परिवर्तन किया, सही निर्णय। स्कोर 57, प्रोजेक्टर पर भी स्कोर दिखाया गया। ये शॉर्ट गेंद इसे उठाकर मारा है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और ये आसान सा कैच। बहुत बढ़िया कैच सचिन का, इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, कोशिश तो यही थी। और विकास आउट होते हुए, ये पता नहीं स्लोअर मारना चाहते थे या गलती से ये गेंद चली गई। राजेश